नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कुवैत के मामले में। कुवैत के भाई शटडाउन का काम बहुत ज़्यादा आ रहा है। कहीं मेरे पास इतने ज़्यादा कुवैत के डॉक्यूमेंट आते हैं कि सब शटडाउन के डॉक्यूमेंट आ रहे हैं। हालांकि एक अलग बात है कि डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं, पूरी कहानी बताते हैं, बात चल जाती है कि 500 रुपये आपको फीस के देने पड़ेंगे, तब वो मैटर पूरा क्लोज हो जाता है और वो ऑटोमेटिक सही हो जाता है। जी हाँ, एक बंदे ने मुझे इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड बता दूँ, जॉब से रिलेटेड कुवैत का एक ऑफर लेटर भेजा। मेरी उनसे बातचीत हुई तो उसने बताया कि सर होम इलेक्ट्रिशियन का काम है। आप इलेक्ट्रिशियन, होम इलेक्ट्रिशियन कौन सा होता है भाई? इलेक्ट्रिशियन होता है, इलेक्ट्रिशियन मतलब क्या होता है, ऐसे थोड़ी होता है। गाड़ी का जो ड्राइवर है, ये तो नहीं कि वो सिर्फ मारुति का ड्राइवर की जरूरत है। ड्राइवर तो ड्राइवर होता है, इलेक्ट्रिशियन तो इलेक्ट्रिशियन होता है। लेकिन फिर भी जो ऑफर लेटर में लिखी हुई बातें हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। 200 KD 200 KD, जी हाँ साथियों, आप समझ सकते हैं, तनख्वाह है, 9 महीने का वीजा है, पैसा पैसा तो लग ही नहीं रहा भाई। पैसा, बात तो पैसों की आ जाती है ना, कोई पैसा नहीं लग रहा है। थोड़े बहुत पैसे देने, वो जहाज में बैठने के बाद, जैसा कि बंदे ने बताया, जहाज में बैठने के बाद पैसे देने। मैं बोला भाई मेडिकल, हाँ सर मेडिकल के पैसे लगे 5,000 रुपये। जी हाँ, ये बात हो गई बंदे की तरफ से। अब हम बात कर लेते हैं, आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा वीडियो पूरा देखिए भाई, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं, ऑफर लेटर दिखा देता हूँ मैं पहले आपको। ये देखिए साथियों, ये ऑफर लेटर है जी, ये ऊपर देखिए कुवैत ऑयल कंपनी। जी हाँ, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेटर समझ में आता है, नाम पता सब कुछ दे रखा है, ठीक है जी। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड देख लो भाई, 9 महीने का है। ट्रेड देखो हाउस इलेक्ट्रिशियन का है, लिखने में भी मिस्टेक है, एडिट किया हुआ ऑफर लेटर है, साफ साफ दिख रखा है। जी हाँ, सैलरी देख लो भाई 200 KD है, यानी तनख्वाह अगर सैलरी की बात करें तो देखो किस तरह से लिखा गया है। अब इसी के नीचे देखो फ्री फूड प्रोवाइड बाय कंपनी, यानी ये अलग तरीके से अलग लैंग्वेज में लिखा है, अलग राइटिंग में। और 200 KD यानी 200 KD ये अलग लिखा है, 9 मंथ है ना वो अलग लिखा है। हाउस इलेक्ट्रिशियन और पासपोर्ट नंबर ये अलग तरीके से लिखा है, यानी ये ऑफर लेटर फेक है जी। अब इसमें हुआ क्या भाई, जब 9 मंथ का वीजा है तो मेडिकल का ये क्या झंझट है भाई? बहुत सारे ऑफर लेटर आते हैं, सर 9 मंथ का वीजा है शटडाउन का, तो उसमें गम का मेडिकल नहीं बताया। नॉर्मल मेडिकल 1,000 रुपये लगते हैं, उसी नॉर्मल मेडिकल के 5,000 लगते हैं, उसी नॉर्मल मेडिकल के 7,000 रुपये लगते हैं। यानी ये पूरा गेम कहाँ अटक जाता है, आके मेडिकल पे अटक जाता है। तो भाई कुवैत से रिलेटेड जितने भी आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, अच्छी बात अप्लाई कीजिए, हमेशा मैन पावर ऑफिस, जी हाँ मैन पावर ऑफिस के द्वारा जाओगे तो दिक्कत नहीं आएगी, समझ गए बात को। अब वो अलग बात है कि आप ये बुक नहीं खरीद पाओगे, बहुत महंगी बुक है भाई, 700 रुपये की। विदेश जाने के नाम से 1,00,000 रुपये दे देंगे, मेडिकल के नाम से 5,000 दे देंगे, लेकिन ये 700 रुपये आपके लिए महंगी रकम है, इसलिए आप इसको तो नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि इसमें वो सब सही बातें बताई गई हैं जिसको आप फॉलो करोगे तो आपको चीटिंग नहीं होगी। लेकिन ये बड़ी बात आपके लिए ठगना, लेकिन फिर भी ठीक है, इसको अगर नहीं खरीद पाएंगे तो भी अच्छी बात है, लेकिन मैन पावर ऑफिस के द्वारा जाने की पूरी कोशिश करिए, ये ठगी लोगों से बचें। ये मेडिकल का पूरा गेम प्लान होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। 10-20-30-50 लोगों से मेडिकल करवा लेते हैं, 2-4 लाख रुपए कमा लिए। मेडिकल के नाम से कोई ये भी नहीं बोल सकता कि सर पैसे दो, क्योंकि ये इसलिए बता रहा हूँ कि बंदे ने बोला कि ऑफर लेटर दे दिया, मेडिकल करवा लिया, बोलता है वीजा तो कंपनी नहीं दे रही है क्योंकि टिकटें महंगी है, समझ रहे हो। तो अब इसका वीजा नहीं आने वाला है, सिर्फ मेडिकल तक था। ये ईमानदार, थोड़ा ईमानदार है, इसलिए 5-7 हज़ार रुपये खाता है, बाकी बड़े ईमानदार हैं वो 20-30 हज़ार रुपये खा लेते हैं, बस इतनी सी बात है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।